आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर लेके आई हूँ हाउस। तो मैं आज आपको बताऊंगी सिलेबस में क्या क्या होता है और उसमें पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करना होता है। तो टर्म्स टू बी कवर्ड, जो टर्म्स हमें कवर करने होते हैं क्लास फर्स्ट में, एक तो टाइप्स ऑफ हाउस, पहले हाउस की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ हाउस जिसमें हमें बताना होता है कच्चा हाउस और पक्का हाउस। फिर स्पेशल हाउस होते हैं, जैसे वो बोट हाउस होता है, टेंट होता है, तो उसमें एक दो एग्जाम्पल्स देने होते हैं। फिर हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है रूम्स इन अ हाउस, जो बच्चे पहले से एलकेजी यूकेजी से पढ़ते आ रहे होते हैं, ईवीएस में डाइनिंग रूम, बाथरूम और किचन, इस तरीके के उसमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। फिर हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम, तो जैसे ये बताना होता है हाउस जैसे हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे धूप से, बारिश से, इस तरीके से। और डेकोरेट हाउस को हम किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, किसकी हेल्प से डेकोरेट करते हैं, तो ये पूरा कवर करना होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव, हाउस वो जगह होती है जहाँ हम रहते हैं। वी एंड अवर बिलोंगिंग्स आर सेफ इन हाउस, हमारी सारी चीज़ें सेफ होती हैं हाउस में। हाउस किससे भी प्रोटेक्ट करता है, हीट से, रेन से, कोल्ड से, थीव से, वाइल्ड एनिमल से, इन सब से हमें बचाता है, बारिश से, गर्मी से, थीव, चोर से, वाइल्ड एनिमल से। जो हाउस होता है जिसमें हम रहते हैं उसे और क्या कहते हैं, होम कहते हैं। जैसे मैं एक बड़े हाउस में रहता हूँ, उसमें क्या है, 3 रूम्स हैं, गार्डन है। अब टाइप्स ऑफ हाउस, तो हमें हाउस की डेफिनेशन बच्चों को क्या सिखानी है, अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव, बस इतना से समझाना है। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव, ये मैंने अलग से एक मार्क दे दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होम। नाउ टाइप्स ऑफ हाउस, 2 टाइप के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस जैसे हट फॉर एग्जाम्पल, और पक्का हाउस में जैसे आप बंगलो बोल सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे बंगलो है तो इस तरीके का आप लेंगे। जो हट होती है वो किससे बनी होती है, वुड से, बैम्बू से, लीफ से, मर्ड, स्ट्रॉ। और जो बंगलो होता है वो किससे बनी होती है, ब्रिक से, सीमेंट से, स्टोन, स्टील, वुड, ग्लास। और इसी में होती है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें काफी सारी स्टोरीज होती हैं। स्पेशल हाउस क्या होते हैं, जैसे हाउस बोट जो क्या है, फ्लोट करता है पानी में। इग्लू जो किससे बना होता है, स्नो से बना होता है। नाउ दिस इज अ टेंट, जैसे जो टेंट होता है ये क्या होता है, ये कैनवस क्लोथ से बना होता है। और ये कैरावन होता है, जो पहिए जिसमें नीचे लगे होते हैं और ये मूव करता रहता है। अब रूम्स इन अ डिफरेंट हाउस, कौन कौन से रूम्स होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम या लिविंग रूम होता है जिसमें हम जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम बिठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते, जो भी हैं गेस्ट को बेसिकली ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में रखते हैं, हम उसको बोलते हैं। किचन क्या होता है, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। डाइनिंग रूम क्या होता है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। टॉयलेट हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, इस तरीके से। बाथरूम क्या होता है, जहाँ पे हम नहाते हैं, वी टेक बाथ इन बाथरूम। बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम, हम सोते हैं। अब गुड हाउस, जो गुड हाउस होता है उसमें क्या क्या होनी चाहिए, विंडोज होनी चाहिए। विंडोज हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है सनलाइट और फ्रेश एयर। सनलाइट आती, धूप आती और फ्रेश एयर आती है इस घर में। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर होम, जिसमें हम रहते हैं वो क्या हमें कहलाता है, अवर होम। वी शुड कीप अवर होम, हमें क्या है, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन, हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए हाउस को क्लीन रखने में। हमें डस्टबिन भी रखना चाहिए घर पे, जिससे कि कुछ हो तो हम गंदगी उसमें फेंकते हैं। अब जो डेकोरेट करते हैं हम हाउस को, किससे करते हैं, पेंटिंग से करते हैं, प्लांट से करते हैं, पिक्चर से करते हैं और रंगोली वगैरह बना के करते हैं। तो इसमें आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये देखिए कच्चा हाउस में क्या आप बच्चों को बताएंगे, दे आर मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू, लीव्स, मड एंड स्ट्रॉ। एग्जाम्पल हट, इससे बने होते हैं। पक्का हाउस में दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, स्टील, वुड, ग्लास, फॉर एग्जाम्पल। स्पेशल हाउस का क्या होते हैं, हाउस बोट होता है, इग्लू होता है, टेंट होता है, कैरावन होता है। हाउस बोट जो है हमारी पानी में तैरती है, इग्लू स्नो से बनी होती है, टेंट कैनवस क्लोथ से बना होता है, और कैरावन व्हील्स में चलता है। रूम्स क्या होते हैं, ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम, ये बच्चों को पता होता है। हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, रेन, कोल्ड, थीव एंड वाइल्ड एनिमल से। डेकोरेट हमें किस किस से करना चाहिए, पेंटिंग, प्लांट्स, पिक्चर, रंगोली एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं कि इसमें आप एक्सरसाइज कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे बच्चों को आप दिखाइए, अ हाउस इज द प्लेस वेयर वी लिव। अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन, हाउस बोट किसमें तैरती है, किसमें फ्लोट करती है, वॉटर में।
अ कैरावान मूव्स ऑन व्हील्स, कहां किससे मूव करते हैं, व्हील से. बंगलो आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस. वी कुक फूड इन द किचन. अब इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं. टिक द करेक्ट आंसर में आप देखिए. वी स्लीप इन द बेडरूम, ना कि किचन में, बाथरूम या डाइनिंग रूम में नहीं. वी बाथ इन द बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम. फिर वी ग्रीट अवर गेस्ट इन द किचन, टॉयलेट, बेडरूम और लिविंग रूम. लिविंग रूम. अ गुड हाउस हैज ओनली वन विंडो, मैनी रूम्स, नो विंडो, नन ऑफ दिस. तो क्या होगा, गुड हाउस में क्या होता है, मैनी रूम्स. अब इसमें आप ट्रू फॉल्स कैसे कर सकते हैं, बच्चों को आप कैसे बता सकते हैं. एक्चुअली इसमें प्रॉपर होना चाहिए नन ऑफ दिस, क्योंकि सिर्फ मैनी रूम्स होंगे तो भी फायदा नहीं, क्योंकि गुड हाउस जो स्मॉल हाउस होता है वो भी तो गुड हाउस हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक नहीं कई सारी विंडो होनी चाहिए, कई रूम्स होने चाहिए, या रूम्स नहीं है तो एटलीस्ट किचन होना चाहिए इस तरीके से. तो ये आप नन ऑफ दिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ट्रू और फॉल्स में जैसे वी ऑल लिव अलोन इन अवर हाउस, फॉल्स, हम सबके साथ रहते हैं. ऑल हाउसेज हैव टू रूम्स, फॉल्स, सारे घरों में सिर्फ दो ही रूम्स होते हैं, नहीं. वी स्लीप इन द बाथरूम, फॉल्स. वी कुक फूड इन द किचन, ट्रू. इट इज ऑल राइट इफ अवर होम इज डर्टी, फॉल्स, नहीं, साफ रहना चाहिए. अब जैसे टिक द करेक्ट वन में कैसे करेंगे, आई लिव इन माई हाउस विद, किसके साथ रहते हो आप घर पे, फैमिली के साथ कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. माई हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन से बचाता है, स्टोन से बचाता है, रेन से बचाता है. हट आर द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस और पक्का हाउस. हट जो एग्जाम्पल होता है वो कच्चा हाउस का होता है, कच्चा हाउस का. सनलाइट आती है, सनलाइट कम्स इन टू अवर हाउस थ्रू द रूफ. सनलाइट कहाँ से आती है, रूफ से आती है, विंडो से आती है, रूफ से आती है, रूफ से नहीं आती है, विंडो से आती है. वी स्लीप इन द ड्रॉइंग रूम या बेडरूम, कहाँ हम सोते हैं, बेडरूम में. तो आप बच्चों को एक इस तरीके से भी वर्कशीट दे सकते हैं, जैसे ड्रॉ अ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, जैसे तो बच्चा अपने आप हट बनाएगा, उसको इंटरेस्ट लगेगा कलर से, और पक्का हाउस इसी तरीके से बनाएगा. या आप इस तरीके से भी दे सकते हो, जैसे बच्चा डॉट्स पूरे ज्वाइन करेगा, ये एक्टिविटी होती है, और उसको कलर करेगा, फिर बच्चा डिफ्रेंशिएट करेगा, लिखेगा उसमें कि ये पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है, तो इस तरीके से. तो ये थी पूरी एक वर्कशीट जिसमें आप बच्चों को बताएंगे कि हाउस में आपको क्या क्या पढ़ाना है और कितना सिलेबस कवर करना है तो क्लास फर्स्ट में. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक यू.